दाखल के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। निश्चित तौर पर दाखल सकारात्मक शक्तियों के साथ अपनी शक्तियों को साझा करता है और वहीं नकारात्मक शक्तियों में दखल उत्पन्न करता है, और ऐसे न्यूज़ चैनल में मैं आज कविता पाठ कर रही हूँ, मुझे खुशी हो रही है। जैसे कि तमाम देश में मैं जानी जाती हूँ श्रृंगार की कवित्री के तौर पर, और ज्योतिष विषय रहा तो निश्चित तौर पर अध्यात्म के संपुट आएंगे और मेरी रचनाओं में यदा कदा आपको कुछ प्रतिबिंब जो हैं बिंबों के माध्यम से आध्यात्मिक निकल कर आएंगे। और प्रेम तो वह शाश्वत चिंतन है जो कि एक बच्चे से जब स्त्री प्रेम करती है तो पन्नाध्याय की तरह करती है, माँ यशोदा की तरह करती है, और शौर्य पराक्रम का बीज उत्पन्न कर देती है और अध्यात्म के शिखर पर पहुँचा देती है। और एक स्त्री जब बेटे से प्रेम करती है तो बेटा शौर्य पराक्रमी होता है, और जब वो प्रेमी से प्रेम करती है, प्रेमी को प्रेमेश बनाकर अर्थात प्रथमेश बनाकर और प्रेम की आराधना करती है, तब वो कैसे करती है, इस प्रेम के भाव को, शाश्वत भाव को महसूस करिएगा, आपके चैनल के माध्यम से सुनिएगा। एक मुक्तक प्रारंभ करती हूँ बात। शाश्वत प्रेम की रीति बनो तुम, शाश्वत प्रेम की रीति बनो तुम, गीत हूँ मैं संगीत बनो तुम, गीत हूँ मैं संगीत बनो तुम, जीवन के संग्राम में प्रिय वर हार बनो मैं, जीत बनो तुम, हार बनो मैं, जीत बनो तुम, हार बनो मैं। और अगला मुक्तक सुनिएगा। जब मैंने पहले ही कहा कि प्रेमी ईश जब प्रेमेश हो जाए, प्रथमेश हो जाए, तो उसके प्रति स्त्री कैसी भावना रखती है वो सुनिएगा। भावों की पूर्णता के शोध पत्र तुम ही हो, भावों के पूर्णता के शोध पत्र तुम ही हो, यत्र तत्र ही नहीं सर्वत्र तुम ही हो, यत्र तत्र ही नहीं सर्वत्र तुम ही हो, भावों की पूर्णता के शोध पत्र तुम ही हो, यत्र तत्र ही नहीं सर्वत्र तुम ही हो, कर्मों के पुण्य फल का सच में तप विधान तुम, कर्मों के पुण्य फल का सच में तप विधान तुम, सांसों के संविधान का शुभ सत्र तुम ही हो, सांसों के संविधान का शुभ सत्र तुम ही हो, सांसों के संविधान का शुभ सत्र तुम ही हो। और देखिएगा, जब प्रेम चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है, हमने देखा है कि जीवन के जितने भी महाभाव जो भाव हैं, जब भाव पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं तो वह महाभाव में बदलते हैं, और महाभाव जब अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करता है तो वो प्रेम भाव में बदल जाता है, और प्रेम भाव ही राधा भाव है, जो प्राप्त होने के बाद तो आप निष्काम हो जाते हो। तो मैं उन सकाम प्रेमियों से आग्रह करती हूँ कि प्रेम को निष्काम होकर जिए। और ये देखिएगा, ये चार पंक्तियाँ पुनः इसी कुल की आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। एक नायिका की नायक की आराधना कैसे होती है, एक नायिका नायक की आराधना कैसे करती है, सुनिएगा। शिव के दर्शन मूल के तुम, पुण्य पावन साधना हो, शिव के दर्शन मूल के तुम, पुण्य पावन साधना हो, हृदय तल में हो विराजित पूर्ण वो आराधना हो, तुमने स्वीकृत कर लिया तो मैं पुरस्कृत हो गई, मेरे मन के देवता हो भा
भावपूरित प्रार्थना हो, मेरे मन के देवता हो, भावपूरित प्रार्थना हो। और देखिए, जब हम कविता की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर एक गीतकार के समक्ष ये समस्या तो नहीं होती है कि मैं छंद की बात करूं, क्योंकि बता देना चाहूंगी कि गीत तो छंदों पर ही लिखे जाते हैं और निश्चित तौर पर वो अपने आप शुद्ध होके निकलते हैं। गीत की परंपरा तो बड़ी शाश्वत परंपरा रही है, बड़ी पवित्र परंपरा रही है। किंतु मुझे ये लग रहा है कि कुछ सनातनी छंदों की भी बात कर ली जाए। मैं एक सवैया पढ़ती हूँ और इसके बाद एक गीत आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। सुनिएगा, ये नारी विमर्श का निश्चित, जब हम पंच कन्याओं की बात करते हैं, पंच महाभूतों की बात करते हैं, तो हमारे मन में एक यक्ष प्रश्न है और वो कौंधता है कि स्त्री की पूर्णता कहाँ है। और सुनिएगा, ये सवैया सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं यशोधरा को ढूंढ रहे हैं या कहीं आप गौतम नारी अहिल्या की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सुनिएगा, निर्भर नयनन में नारी निहार रही निज भाग्य की रेखा, निर्भर नयनन में नारी निहार रही निज भाग्य की रेखा, नारायण बहु निरखो इत तुमने कही मेरा प्रीतम देखा, नारायण अब हूँ निरखो इत तुमने कही मेरा प्रीतम देखा, कासे कहूँ दुख कैसे सहूँ अब, कासे कहूँ दुख कैसे सहूँ अब, रूप पराए का कब हूँ न देखा, निर्भर नयनन में नारी निहार रही निज भाग्य की रेखा। और सुनिएगा एक गीत, नारी हूँ मैं नारी हूँ, ईश्वर की कृति न्यारी हूँ, नारी हूँ मैं नारी हूँ, मैं कान्हा की राधिका हूँ, मुश्किल पथ की साधिका हूँ, राम की बिरहन राम की बिरहन सीता हूँ मैं, लव कुश की महतारी हूँ, नारी हूँ मैं नारी हूँ, मेरे मन में प्रेम का सागर मत भरना मत भरना, नफरत के गागर मत भरना, नफरत के गागर, मैं गंगा की निर्मल धारा, मैं गंगा की निर्मल धारा, पूनम की उजियारी हूँ, नारी हूँ मैं नारी हूँ, नारी हूँ मैं नारी हूँ। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर, विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।